हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द जी एन स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और द जी एन स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आया है। वो टॉपिक कौन सा है डियर फ्रेंड्स? कंप्यूटर्स। ठीक, कंप्यूटर सब्जेक्ट नेम है कंप्यूटर, और इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो डेली का डेली मेरा क्लास करते हैं वो लोग जानते होंगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों को बता देता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये तीन चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। कौन क्या क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा क्या चीज़, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि देखिए इनपुट आउटपुट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कौन कौन से। हाँ डियर फ्रेंड्स, एक बात और, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द जे एन स्मार्ट क्लासेस आपको एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ाता है, और ये आपको केवल जो पढ़ने जा रहे हैं इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को, केवल और केवल न ट्रिपल सी में, न ही किसी क्षेत्र में, मतलब कि इसको केवल एक पर्सनली उद्देश्य से नहीं पढ़िए। अगर मैं एक बार द जे एन स्मार्ट क्लासेस से कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका हर एक किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहिए, किसी भी चीज़, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई भी, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क LCD का हो, चाहे SSC CGL, कोई भी एग्जाम हो डियर फ्रेंड्स, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये पढ़ ले रहे हैं कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट यहाँ द जे एन स्मार्ट क्लासेस है, तो आपको CCC जैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई करने का एक जुनून होना चाहिए। जुनून क्या होना चाहिए? ये मिशन कैसे होगा जुनून? एक जब तक मिशन नहीं बनाएंगे, मिशन बना के पढ़ाई नहीं स्टार्ट करेंगे, पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आप वो कहते हैं ना, बार बार मैं कहता हूँ, मिशन नहीं बनाएंगे तो सक्सेस तो होंगे लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको समय ज़्यादा नहीं लगाना है ना, कम समय में सफलता हासिल करना है। ठीक, तो ये चीज़ हमको क्या करना है, जो ये मिशन शब्द है, तुम अपने अंदर एक अपना एक मिशन बनाइए, यार मैं इतने सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करूंगा और इतने दिन में करके ही रहूंगा, अपना एक दृढ़ संकल्प लीजिए। ठीक, ये होता है मिशन। तो मिशन बना काम करेंगे तो समय से आपको सफलता मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पाँचवा दिन है। ठीक, तो आज पाँचवा दिन, देखिए क्या क्या हम देखना। लेट अस स्टार्ट नाउ विद द जे एन स्मार्ट क्लासेस। आइए द जे एन स्मार्ट क्लासेस का मिलते हैं और देखते हैं अगला क्लास क्या चीज होने वाला है। ठीक है, आइए देख लिए, आप लोगों के सामने आ गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है, ये चीज देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। जानने के लिए तो हर एक चीज जानते हैं, ठीक है, हर एक चीज जानते हैं कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रो देना चाहूंगा, तब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर पहुंचने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन में यूज होता है। ठीक, तो एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि आज आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, इन सब के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है वहां, क्या एजुकेशन ही तो ले रहे हैं और एजुकेशन देते भी हैं। तो ये चीज हो गई यहाँ पर एजुकेशन की बात। एजुकेशन के सेक्टर में आप कंप्यूटर्स के यूज कर लेते हैं। बैंक्स में भी आप देखते हैं कंप्यूटर्स का यूज होता है। बैंक्स में कैसे होते हैं डियर फ्रेंड्स? बैंक्स में क्या होता है कि आपके डाटा क्या होते हैं, वहां पर फीड होते हैं। ठीक, वहां पर फीड होते हैं, कहां, बैंक में फीड होते हैं, और बैंक में फीड होने के ही चलते आप ATM की सहायता से पैसा कहीं से भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वह एक जगह स्टोर है और जैसे ही अपना ATM डालते हैं वो हर एक चीजें बता देता है। तो ठीक, तो ये बैंक में भी यूज हो जाता है और डाटा स्टोर में, अन्य अन्य कार्यों में बैंक में हो जाता है। यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम करने में भी आपकी ये होती है, जैसे क्या है कि आपको किसी के पास मेल भेजना है, किसी के पास मैसेज भेजना है, तो ये सारी क्रियाएं क्या है, मेल मैसेज करना, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है ये। ठीक, तो ये आप कम्युनिकेशन में कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी कर रहे हैं आप। ठीक, एयरलाइंस, जैसे आप जाते हैं टिकट बुक कराने के लिए बस के या फिर एरोप्लेन के या फिर रेलवे के, कहीं भी मतलब जाते हैं तो क्या होता है, टिकट बुक कराने जाते हैं, तो आपकी जो भी होती है
रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं, वो डाटा आप देते हैं उस वहां पर, चाहे एरोप्लेन के माध्यम से जाए, रेलवे के माध्यम से जाए, वो डाटा आपका फीड किया जाता है और आपको एक टिकट दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है वहां पर, एयरलाइंस एंड रेलवे एंड बसेस, ये सारी क्रियाएं आप यहाँ से करते हैं। ठीक, यहाँ क्या दिया है, मनोरंजन के सेक्टर में बहुत से लोग उस लैपटॉप के माध्यम से गेम खेलते हैं, या इसका मतलब बहुत से मनोरंजन वर्क हो जाते हैं उसी लैपटॉप से, आप क्या करते हैं मूवी देख लेते हैं, तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, मनोरंजन में आ जाती है। तो अब मनोरंजन का भी काम कंप्यूटर से कर ले रहे हैं। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक कार्यों में, जैसे क्या है आपकी कोई जमीन जायदाद है उसका कहीं ना कहीं डाटा एक जगह मौजूद है। ठीक, जब एक जगह वो डाटा सारे मौजूद हैं तो उन्हीं सारे डाटा को क्या करते हैं, आप कभी किसी और समय जाते हैं तो वो डाटा आप उस कंप्यूटर्स के माध्यम से फिर से दोबारा निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज है क्या नहीं है, क्या कमी हुई है क्या वृद्धि हुई है। तो ये सारी बातें आप क्या करते हैं वहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब सिक्योरिटी के भी सेक्टर में, जैसे आपका घर है वहां पर, घर आपका हाउस है, हाउस है तो वहां पर क्या करते हैं, अपने घर के गेट पर सिक्योरिटी को लगाते हैं, तो ठीक वहां से भी आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो केवल सिक्योरिटी का मतलब वही नहीं है, अभी बहुत सी सिक्योरिटी के बारे में है। ठीक, तो मतलब सिक्योरिटी के भी सेक्टर में आप लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ऐसे आप बिजनेस, यहाँ कॉमर्स, बिजनेस व्यापार, व्यापार के व्यापार में तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक, तो ये बिजनेस के भी सेक्टर में लगा सकते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग्स में भी आप इसका यूज करते हैं कि मतलब कौन सी बिल्डिंग, जैसे आपको अगर मैं सिविल इंजीनियर, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं तो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात बता रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं घर का डिजाइन बनाना है तो सबसे पहले आपको एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में जो भी हो आपको उसके माध्यम से आप एक बना करके देखते हैं कि क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से उसको सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, यार इस तरह से बन जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरह से बन जाए तो वो सारी एनालिसिस करते हैं। इस तरह से ई कॉमर्स में भी, मतलब ये सारे सेक्टर में आप कंप्यूटर्स की यूज कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस रहे, एप्लीकेशन मतलब वो मत समझिएगा जो आप ऐप ऐप कहते हैं, ऐप से मतलब नहीं है, यहाँ अनुप्रयोग से मतलब है। इनपुट, अब हम आज आ जाते हैं तो डिवाइस, डिवाइस क्या कहता हूँ, इनपुट आउटपुट होता है ना, तो इनपुट के बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, उसके बाद आउटपुट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या है, इनपुट डिवाइस, तो इस तरह से अब जो भी है इनपुट डिवाइस के बारे में आपको एकदम पूरी डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस की तरफ। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है डियर फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ये पांचवा लेक्चर है, पीछे का पूरा लेक्चर देखेंगे आपका पूरा कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते रहिए, हर एक वीडियो देखते रहिए। तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो डियर फ्रेंड्स जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अपने एक निर्देश देते हैं कि ये करो वो करो वो करो इस तरह का काम करो। ठीक, तो ये सारी, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है राम, आप कीबोर्ड के माध्यम से लिख रहे हैं राम, तो कीबोर्ड के माध्यम से आप अपने निर्देश को आप दे दिए हैं। ठीक है, अपने डाटा को आप दे दिए हैं कि हमको ये लिखना है, तो जैसे यहाँ राम क्लिक करते हैं तो मॉनिटर पे दिखाई, कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देने लगता है। तो क्या हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से आप वो कर लिए, अपने डाटा को दे दिए। इस तरह से डिजिटाइजिंग टैबलेट होता है, ट्रैकिंग बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, टच स्क्रीन होता है, लाइटिंग पेन होता है। ठीक, तो ये जो आपके हैं दूसरे नंबर, यहां से लेकर के यहाँ लाइट पेन तक, ये क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं डियर फ्रेंड्स। पॉइंटिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, आपको इस मॉनिटर के किस भाग पे आपको जाना है, यहाँ रहना है या फिर यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है कहाँ, किस जगह जाना है, तो ये आपके ये सारे जो है, डिजिटाइजिंग टेबल हो गया, ट्रैकिंग बॉल हो गया, जॉय स्टिक हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके, ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप या डेस्कटॉप, मतलब कहीं भी आपको जाना है इसके पूरे स्क्रीन में, तो वो वहां पर जाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं हर एक का फिगर दिखाऊंगा। ठीक, आपको द जीएन स्मार्ट क्लासेस है तो आपको स्मार्ट तरीके से हर एक चीज एकदम फिगर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग कीबोर्ड हर कोई देखा होगा, माउस हर कोई देखा होगा, लेकिन ये इतनी चीजें नहीं कोई देगा, मतलब देखने के लिए तो देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चीजें नहीं देखे होंगे। अभी मैं फिगर के माध्यम से, बाई फिगर मैं दिखाऊंगा, देख लीजिए आगे क्या दिखाऊं। जैसे ये आपका कीबोर्ड रहा, क्या रहा डियर फ्रेंड्स, ये आपका कीबोर्ड रहा। ठीक, ये आपका क्या रहा, माउस रहा। ठीक, ये आपका क्या रहा,
ट्रैकिंग बॉल, ठीक, ट्रैकिंग बॉल अभी दिखा दिखाए हैं आपको, यहाँ इसके माध्यम से आप कंट्रोल करते हैं कि इस कंप्यूटर के किस भाग में आपको जाना है, ठीक। यहाँ पर आपके लैपटॉप में होता है, कहाँ होता है, टच पैड होता है, आपके लैपटॉप में टच पैड होता है। इस टच पैड के माध्यम से जो माउस कार्य करता है उसी तरह से ये भी कार्य करता है। आपको इस स्क्रीन पर, मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये यहाँ कर्सर है, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर जहाँ लेकर जाते हैं उसके अनुसार आपका डिस्प्ले पर वो पोजिशन चेंज होता रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रैकिंग बॉल टच पैड का यूज कर लिए, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से आप ये लाइट पेन, जैसे लाइट पेन आपको बताए हैं कि आपको किस पोजीशन पे जाना है, ये आपका अगर मैं स्क्रीन है तो आपको किस पोजीशन पे जाना है वहां पर अपने लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। तो ये सभी आप लोग देख लिए कि नहीं देख लिए, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको एकदम स्मार्ट तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कीबोर्ड क्या चीज होती है, माउस क्या चीज होता है, डिजिटाइंग टेबल क्या होता है, ट्रैकिंग बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, लाइट पेन, तो ये सभी के सभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। कीबोर्ड को छोड़ करके ये इतने ऊपर से यहां तक आपके क्या है, ये सभी के सभी आपको पॉइंटिंग डिवाइस है, डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब कि पॉइंटिंग डिवाइस मतलब क्या होगा, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का स्क्रीन है। आप इस पूरे स्क्रीन में किस जगह आप जाना चाह रहे हैं, ठीक, किस जगह, किस क्षेत्र में, किस कॉर्नर में आप पहुंचना चाहते हैं, उस कॉर्नर में आपके कर्सर को लेकर के जाना, ये सारे क्या डिवाइस हैं जो वहां पर आपको लेकर जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गए माउस, डिजिटाइजिंग टेबल, फिर ट्रैकिंग बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, तो ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, पॉइंटिंग डिवाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में, अच्छी अच्छी जगहों पर क्या होता है, अब अभी कहीं और की बात छोड़ दीजिए, आज के डेट में आपके मोबाइल में ही आ गया है, आपके वॉइस से ही आपके मोबाइल में क्या हो गया है, मोबाइल में आपकी वॉइस, जो आपकी आवाज है, उसके माध्यम से आपका मोबाइल खुलने लगा है, ओपन होने लगा है, मतलब लॉक कर दीजिए, जब आप बोलेंगे तभी खुलने वाला है। तो ऐसी ऐसी चीजें डियर फ्रेंड्स आ गई हैं, ठीक। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल को या कंप्यूटर को या मतलब जो भी चीज आप यूज करना चाह रहे हैं वहां पर अपनी वॉइस को, वॉइस जो आपका है उसी के माध्यम से वो ओपन होने वाला है। इस तरह से क्या कर रहे हैं, अपने वॉइस को वहां पहुंचा रहे हैं और वो आपकी वॉइस को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण मतलब क्या कर रहा है, आप उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये इनपुट डिवाइस हो गया। डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा के बारे में आप जानते ही हैं। स्कैनर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, स्कैनर ये होता है कि हार्ड कॉपी जो होती है आपकी उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना, क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी जो होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी जो होती है, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होती है या प्रिंटेड कॉपी होती है, ठीक, जो ओरिजिनल कॉपी या प्रिंटेड कॉपी होती है वो आपकी हार्ड कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव होता है, सुरक्षित होता है, स्टोर्ड होता है, उसी को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो ये समझ में आ गया, हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। यहां कहां कहां इसका यूज होगा, जब भी आप स्कैनर का यूज करेंगे, क्या जब भी आप स्कैनर का यूज करेंगे तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको जानना जरूरी होगा। जब भी आप क्या प्रिंटर का यूज करेंगे तो वहां पर भी आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जानना जरूरी होगा। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी, यानी कि जो भी आपके पास पेपर होंगे उस पर लिखे कुछ अक्षर लेटर होंगे उसको क्या करेगा, उसको सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में स्टोर कर लेगा, सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर लेगा, और जब भी इसको जरूरत होगी प्रिंटर यहां पर लगाएंगे और प्रिंटर के माध्यम से इस सॉफ्ट कॉपी को क्या करेंगे, फिर से हम ग्रहण कर लेंगे हार्ड कॉपी के रूप में, एक्सेप्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होती है स्कैनर, स्कैनर की सहायता से क्या करते हैं, हार्ड कॉपी जो होती है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ प्रिंटर को लगाते हैं, प्रिंटर क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी को फिर से हार्ड कॉपी में बदल देता है। तो समझ में आया, अभी हम बात कर रहे हैं स्कैनर, प्रिंटर की बात नहीं कर रहे हैं, स्कैनर की बात आपको बता रहे थे, स्कैनर से आपको प्रिंटर भी बता दिए। तो ये होती है डियर फ्रेंड्स स्कैनर, ठीक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, डियर फ्रेंड्स ये तीनों है, तीनों की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपके सामने रखा गया है ये तीनों के फुल फॉर्म, कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके सामने है। देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, यहाँ रीडर का भी यूज कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स रीडर पे आप क्लिक मत करके आइएगा, रिकॉग्निशन पे क्लिक करके आइएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, और OMR,
OMR का मतलब तो आप लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं, कोई भी एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर OMR सीट ही आपको मिलता है। इसी OMR सीट पर अपने आंसर को मतलब स्केच करके आते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज, ठीक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ये आप समझ गए, ठीक। OCR क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्टिकल, यहाँ पर भी ऑप्टिकल, यहाँ पर भी ऑप्टिकल, यहाँ पर रिकॉग्निशन, यहाँ पर भी रिकॉग्निशन, बस क्या करना है, सी के जगह पर कैरेक्टर हो गया है और यहाँ पर OMR, एम का मतलब मार्क हो गया और सी का मतलब कैरेक्टर हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये होते हैं, ये आपके डिवाइस होते हैं, ये काम करने के लिए आते हैं, ठीक। यहाँ पर मार्क देखने के लिए कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर इस तरह से ये तीनों हो गए आपके। फिर यहाँ पर क्या है, बारकोड रीडर, डियर फ्रेंड्स बारकोड रीडर का यूज तो आप लोग जब भी मॉल में जाते हैं, अच्छे अच्छे दुकान में जाते हैं, शॉपिंग शॉपिंग मॉल ऐसे जगहों पे जाते हैं तो क्या होते हैं, वहां पर बारकोड रीडर होता है। जैसे वहां पर कुछ ऐसे रहते हैं, इसमें कुछ ऐसे कुछ मतलब बने रहते हैं और इसके ऊपर क्या करता है, इसी बारकोड रीडर को लगाता है और वो बता देता है आपका कितने का बिल है, कितने का ये मतलब ये कितने की वस्तु है, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो वो बता देता है कौन सी वस्तु कितने रुपए की है। तो इसी कोड को पढ़ना किसकी सहायता से पड़ेगा, ये बारकोड रीडर की सहायता से पड़ेगा, ठीक। तो बारकोड रीडर जो होता है इसको पढ़ लेता है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये हो गई आपकी बारकोड रीडर। अब वेब कैम या वेब कैमरा, इसको भी आप लोग देखे होंगे, ठीक। तो ये हो गए डियर फ्रेंड्स सभी इनपुट डिवाइस, और आपको बाय फिगर मैंने बता दिया, क्या क्या बता दिया, यहाँ पर कीबोर्ड है दिख रहा है, यहाँ पर माउस दिख रहा है, यहाँ पर क्या ट्रैकिंग बाल टच पैड दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग बाल दिख रहा है, यहाँ जॉयस्टिक दिख रहा है, यहाँ लाइट पेन दिख रहा है। तो ये सभी के सभी डियर फ्रेंड्स का क्या हो गए, आप बताइए क्या हो गए, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस जो आपके सामने, जो दैनिक मतलब अगर मैं कंप्यूटर्स की यूज करेंगे तो ये सभी के सभी यूज होंगे, और ये क्या होंगे, इनपुट डिवाइसेस पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि इनपुट डिवाइस, देखिए तीन आउटपुट दे देगा और उसमें कोई एक इनपुट डिवाइस का नाम दे देगा, इसमें से कोई भी एक इनपुट डिवाइस का नाम दे देगा इस जगह पे, और तीन आउटपुट या तीन अन्य किसी डिवाइस या किसी भी चीज का नाम दे देगा, ठीक। और यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस का नाम दे देगा और कहेगा कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है, तो आपको इस पर क्लिक करके आना है। और इस पर क्लिक कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको जानना पड़ेगा कि ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, इस तरह से आपको ये जानना। हाँ डियर फ्रेंड्स, एक चीज और आता है, माइक, जो आप माइक यूज करते हैं वो माइक जो होता है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। ये माइक यहाँ पर है नहीं, यहाँ कहीं लिखे नहीं है, लेकिन ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो माइक भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक। अपने क्या करते हैं, आवाज के द्वारा एक निर्देश देते हैं, मतलब जो बोलते हैं फिर वो आपको फिर प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त होता है कैसे, साउंड के माध्यम से, लेकिन उसको कैसे बोलते हैं, माइक के माध्यम से ही बोलते हैं, और ये माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो समझ में आ गए, हर एक इनपुट डिवाइस आपको समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट में तुरंत लिखिए डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस पर लिखेंगे तो हमको भी पता चलेगा हाँ लोगों को समझ में आ रहा है। इतने लोग मेरे रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं, नहीं तो हमको भी नहीं मजा आएगा। आप लोग अगर मेरे रिप्लाई नहीं देंगे तो हमको भी नहीं पढ़ाने में मजा आएगा ना, कि लोग मेरे वीडियो पूरे नहीं देख रहे हैं, बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करते रहिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते रहिए, नीचे बताते रहिए कि हाँ जी सर हम देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, मतलब कुछ भी आप रिप्लाई दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो भी हैं इनके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ही जो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कीबोर्ड का यूज हर कोई करता है, लेकिन कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, कौन कौन से कीज होते हैं, कौन कौन सी की क्या कार्य करेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कौन सी की होगी तो क्या क्या कार्य करेगी, सबसे पहले जान लें कि कीबोर्ड में, हाँ यहां पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, ताकि हमको पता चले कि आप यहां तक पहुंचे हैं, हमको बताइए नीचे कमेंट करके, हमको बताइए कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। ये आपको सर्च करना है, इंटरनेट से सर्च कीजिए, या आपको पता हो आप हमको इंटरनेट से सर्च करके यहां पर आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचते हैं, कीबोर्ड में जो बटन होते हैं जो भी हो 100 से 105 के बीच में होंगे, आप इतना भी जान लीजिए, मैं आप लोगों को क्या एक दे दिया बेस, 100 से 105 के बीच में होते हैं। अब आप लोगों को कमेंट करना है कितना होता है, और मैं देखूंगा कितने लोग सही बता रहे, सही गलत से मतलब नहीं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक।
अब आ गए जो भी हो, कितने बटन होते हैं वो तो हमको पता है, लेकिन आपको कमेंट करके नीचे हमको बताना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में की में क्या हो गया, यहाँ क्या है, टाइप ऑफ की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती है, कीबोर्ड जो होता है आपका ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो ये आपको जानना पड़ेगा, कीबोर्ड में कुल 5 प्रकार के, कितने प्रकार के डियर फ्रेंड्स, 5 प्रकार की होती है। कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा है, टाइपिंग कीज होती हैं। क्या पहला, टाइपिंग कीज होती है, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा 1 2 3 ABCD, यहाँ से आप टाइप करते हैं 1 2 3, यहाँ ABCD XYZ जो भी रहता है, यहाँ से आप A to Z लेटर छपे होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 होते हैं। तो देखिए इस जोन में होता है, इस जोन में होता है आपका क्या होता है, आपका ये टाइपिंग कीज होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया टाइपिंग की कहाँ होता है। दूसरा आता है न्यूमेरिकल कीपैड, ठीक। देखिए न्यूमेरिकल कीपैड तो यहाँ पर होते ही हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ इसकी बात हम करेंगे, ठीक। तो ये हो गए आपको न्यूमेरिकल कीपैड हो गया, यहाँ वाला भी न्यूमेरिकल कीपैड होते हैं, लेकिन ये पर्सनली इसकी बात हम कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल कीपैड हो गए, यहाँ वाले भी न्यूमेरिकल कीपैड होते हैं। अब आते हैं फंक्शनल की, क्या होता है फंक्शनल की, तो फंक्शनल की डियर फ्रेंड्स ये होता है जो ऊपर का, ये 12 12 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। तो ये आपके फंक्शनल की होते हैं, कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स, फंक्शनल की होते हैं, ठीक। तो ये आपके फंक्शनल की हो गए। अब यहाँ कंट्रोल की होते हैं, कंट्रोल की क्या होते हैं, जैसे ये कर्सर, CTRL ALT, ठीक, CTRL ALT, तो ये आपके होते हैं कंट्रोल की जो गए, और स्पेशल पर्पज के लिए इंटर होता है, शिफ्ट होता है, स्पेस बार होता है, ठीक। इंटर होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या दूसरे नंबर पे शिफ्ट होता है, ठीक, शिफ्ट यहाँ पर होता है, स्पेस बार होता है, स्पेस बार यहाँ पर होता है, और स्केप होता है, स्केप यहाँ पर होता है, ऐसे क्या देख रहे हैं यहाँ, ये सारी चीजें जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज की जाती है, ये है स्पेशल पर्पज। तो बताइए कितने प्रकार की कीज हो गए, टाइपिंग, न्यूमेरिकल, फंक्शन, कंट्रोल कीज, स्पेशल पर्पज कीज, ये 5 प्रकार के कीज होते हैं, कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। अब हम कुछ स्पेशल की होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल की होते हैं, न्यूमेरिकल की को आपको बता दिए 1 2 3 4 5, ये न्यूमेरिकल की होता है। फंक्शनल की भी आप लोगों को बता दिए, ये फंक्शनल की हो गए, 12 की होते हैं फंक्शनल की। कर्सर कंट्रोल की, तो कर्सर कंट्रोल कौन सा होता है बताइए, ये कर्सर कंट्रोल जो लिखा है ये आपके कर्सर को कंट्रोल करता है, मतलब कर्सर कहाँ जाना है, आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है तो इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पर है, इस कर्सर को यहाँ पर है आप डेस्कटॉप पे, तो अब इसको कहाँ लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर जाना है, साइड में लेकर आना है या लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल करेंगे, उसको कर्सर कंट्रोल की। होम की एक होता है, ठीक है, तो ये होम की हो गया। इंड की होता है, क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका होता है होम की, कहाँ पर होता है आप देख लीजिए ध्यान से, अब ये मेरा देखिए कहाँ जा रहा है, ये आपका होम की हो गया, जो ये यहाँ पर तीन है, इस तीनों के बीच में, ऊपर तीनों के बीच में, इस वाले लाइन में ऊपर तीनों के बीच में, ठीक। तो इन तीनों के बीच में आपके हो गए होम की हो गया, होम की के जस्ट नीचे होता है होम की और इंड की, होम की ये हो गया है, इंड की ये होता है, ठीक, उसके इसके इसके नीचे वाले, होम की और इंड की समझ में आ गया। अब होम की का काम क्या है, होम की का देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, होम की का काम क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टाइप करते हुए चले जा रहे हैं, करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, कई लाइन नीचे आ गए हैं, कई लेटर के आगे आ गए हैं, तो यहाँ से आप अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पे जाना चाहते हैं तो होम की जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पोजिशन पे चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपका कर्सर बार यहाँ पर है और पूरा ये डेस्कटॉप भरा हुआ है, लेकिन आप सबसे इंड में जाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं अंत में, तो आपको इंड की पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ही इंड की पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर यही दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये हो गए आपके कौन कौन से हो गए, होम की हो गया, इंड की हो गया, पेज अप पेज डाउन ये तो आप जानते हैं, पेज अप पेज डाउन, ठीक, कंट्रोल कीज RCTRL, ये आप कॉर्नर में होता है, दो होता है, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो इस तरह से दो होते हैं। फिर इंटर की तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, इंटर कीज हो गए। शिफ्ट कीज होते हैं, शिफ्ट कीज भी दो होती है, एक ये होती है एक ये होती है, ठीक। तो शिफ्ट की देखिए दोबारा बता दे रहे हैं, इंटर की आपकी ये हो गई, ठीक। शिफ्ट की कौन सा होता है, एक यहाँ होता है और इसी के लाइन में आपका एक यहाँ होता है, यहाँ पर आ जाइए, तो ये होता है और ये होता है, शिफ्ट कीज होते हैं, ठीक डियर फ्रेंड्स। अब स्केप की आपके सबसे ऊपर होते हैं,
फंक्शन की बगल में, ठीक, बैक स्पेस की होता है, यहाँ पर आपका बैक स्पेस की होता है, ठीक है, और फिर आता होता है टैब की, टैब की यहाँ पर होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप जान गए ना, ये टैब की हो गई, यहाँ से टैब की, ये टैब की होते हैं, और फिर ये एस्केप की होता है, फिर ये क्या होता है, बैक स्पेस की होता है, तो ये सभी की होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि इंटर की का कार्य क्या है, शिफ्ट की का कार्य क्या है, एस्केप की का कार्य क्या है, बैक स्पेस की, बैक स्पेस भी क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, ये जो है यहाँ पर इसका यूज किसी भी, मान लीजिए किसी को यहाँ पर ऐसे लिखते हुए चले जा रहे हैं कुछ भी, अब इसको बैक में इसको डिलीट करते हुए, इरेज करते हुए आना है, तो उसको इरेज करते हुए चला जाता है, मतलब इसको मिटाते हुए चला जाता है, हटाते हुए चला, डिलीट करते हुए चला जाता है, बैक स्पेस की का यूज होता है, ठीक। आपका इंटर की, एस्केप की का जानते हैं, फंक्शन को समाप्त कर, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको समाप्त करना है, तो ये यहाँ से ये कार्य होता है, ठीक। शिफ्ट की के तो बहुत से कार्य हैं, फिर इंटर की को आप जानते ही हैं, फिर आपके टैब की होती है, टैब की कहाँ होती है बताइए, टैब की कहाँ होती है, टैब की डियर फ्रेंड्स यहाँ होती है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये टैब की है, टैब की का कार्य क्या होता है, मान लीजिए ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ना है बीच में आपको, अगर मैं इस बटन का यूज करेंगे तो आपको पूरा, मतलब एक लाइन, इस लाइन को पूरा छोड़ देगा और यहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं टैब की का यूज कर रहे हैं, इस की का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पांच लेटर जो लिखने का होता है, इसको जगह छोड़ करके यहाँ पर आपको लिखने का मौका मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका यूज होता है टैब की का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना है, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, एक बार और देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, लेकिन आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल की आपको लेकर के आया हूँ, मोटिवेशनल, ठीक। तो ये देखिए क्या है आपके सामने, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही दमदार सक्सेस का ये आपको पथ दिखाया गया है, ठीक है, सक्सेस का पथ दिखाया गया है। और ये सक्सेस कैसे मिलती है डियर फ्रेंड्स, सक्सेस कैसे भी मिलती है, सबसे पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी काम को करने का, और अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, दो चीज डियर फ्रेंड्स होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये दो चीज क्या क्या, ये विश्वास तो होना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन अंदर होना चाहिए, मुझे करके रहना है, मैं करके रहूंगा, ठीक। एक विश्वास होना चाहिए, यार ये मुझसे हो जाएगा, आप अपने अंदर विश्वास रखिए, ये कार्य मुझसे हो ही जाएगा, मैं, और जुनून रखिए, मैं इसको करके ही रहूंगा, जुनून, ठीक। तो ये विश्वास और ये जुनून, इन दो चीजों को अपने अंदर ला लीजिए, आपकी सफलता पक्की है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, क्या चाहिए डियर फ्रेंड्स, पहला लाइन देखिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, ठीक, यहां आसमां है और यहां जमी है, तो ये आसमां भी आएगा कहां, जमी पर, बस इरादे में जीत की गूंज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बस इरादों में आपके अंदर जो आपके अपने अंदर इरादा बनाया है उसमें जीत की गूंज होनी चाहिए, मैं जीत की गूंज की मतलब क्या, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, मैं इसको करके ही रहूंगा, मेरे अंदर मुझसे ये कार्य हो जाएगा, मैं इसको कर लूंगा, तो ये बातें हैं। तो जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज की जीत होनी चाहिए। द जेएन स्मार्ट क्लासेस में आप के साथ लगे रहिए, द जेएन स्मार्ट क्लासेस, आप जिस बुलंदियों को छूना चाहते हैं, यहाँ से अर्थ, फर्श से अर्थ तक, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको लेकर के जाइएगा, बस इसका उंगली पकड़ लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या कर लीजिए, बस ये उंगली होता है, इस उंगली को पकड़ लीजिए, द जेएन स्मार्ट क्लासेस का, आपको ये लेकर के जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये आपके लिए रहा एक मोटिवेशनल क्विट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, स्पीकर आता है, हेडफोन्स आते हैं, प्रोजेक्टर्स आते हैं। आउटपुट डिवाइस सबसे पहले होता क्या है, जो आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, जो आपके डेस्कटॉप में, जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है, उपस्थित है, उसको एक माध्यम, मतलब उसको कस्टमर्स के सामने व्यक्त करना, किस जिस डिवाइस के माध्यम से होता है वही आपका आउटपुट होता है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर्स में स्टोर है कोई मूवी, आप इनपुट के माध्यम से स्टोर कर दिए हैं कंप्यूटर में, लेकिन आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको मॉनिटर लगाना पड़ेगा ना। जब आपके सामने मॉनिटर होगा, तो जैसे मॉनिटर की बात करें तो आपका टीवी भी एक प्रकार का मॉनिटर है, ठीक। तो ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर पे कोई भी चीज दिख रहा है, तो देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अब मान लीजिए आपका कोई डाटा है जो कंप्यूटर में फीड है, आप उसको निकालना चाहते हैं,
आप उसको, आपको उसकी जरूरत हो गई उस डाटा की, उस रिजल्ट की या फिर किसी भी चीज की जो उसको सेव किए हैं, तो उस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। मतलब जो आपका सॉफ्ट कॉपी पीछे में बताएं, वो सॉफ्ट कॉपी क्या चीज होती है, तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको क्या करते हैं, फिर से हार्ड कॉपी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक, प्लॉटर भी होता है आपका, स्पीकर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके मान लीजिए कंप्यूटर में आपके क्या गाना या सॉन्ग भरा हुआ है, उसको क्या करना, सुनना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कस्टमर्स के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बात, अपनी जो भी चलचित्रों के माध्यम से या आवाज के माध्यम से, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर, ठीक, इस तरह से ये क्या है, सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हैं डियर फ्रेंड्स। अब आप सबके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रिंटर इसमें बहुत ही खास है। ठीक, प्रिंटर के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, प्रिंटर क्या चीज होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस इसके, ये कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। डियर फ्रेंड्स ऐसे याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपको लर्न करने वाली चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, इस एग्जाम में मान लीजिए कोई तीन इनपुट डिवाइस दिया है आपको, एक आउटपुट डिवाइस दे देगा, इसी में से कोई भी, मान लीजिए आपको दे दिया स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर और माइक दोनों देगा, स्पीकर माइक हेडफोन, हेडफोन नहीं देगा, अगर मैं मतलब ये स्पीकर दे दिया है तो हेडफोन नहीं देगा, तो इस तरह कोई भी एक चीज दे देगा। मान लीजिए स्पीकर यहाँ पर दे दिया, ऐसे दोबारा समझिए, मान लीजिए तीन आउटपुट इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं और यहाँ पर माइक भी है इसी तीन में, लेकिन एक यहाँ पर हेडफोन्स दे दिया। ठीक, तो आप किस पर क्लिक करके आएंगे, माइक पे क्लिक करके आएंगे, हेडफोन्स पे क्लिक करके आएंगे, या दो अन्य इनपुट डिवाइस दे रहेंगे उसको, तो डियर फ्रेंड्स हेडफोन पे, क्योंकि हेडफोन जो होता है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन है, हेडफोन है, माइक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, माइक आपका इनपुट डिवाइस है, जो मैं पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हूं। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहता हूं, द जेएन स्मार्ट क्लासेस का लगे रहिए, आप पढ़ रहे हैं इंजीनियर राहुल गुप्ता के साथ, मोबाइल नंबर ये है, और डियर फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप नंबर है, फिर आपका फेसबुक नंबर भी यही है, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपका मतलब हर एक जगह, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आपके आपको हर जगह मिलेंगे फेसबुक पेज के रूप में, मतलब कहीं भी हो, या तो इंजीनियर राहुल गुप्ता आप सर्च कीजिए, सिविल इंजीनियर राहुल गुप्ता, ठीक, इंजीनियर राहुल गुप्ता सर्च करेंगे, फिर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे, सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में, जैसे मैंने बताया है प्रिंटर क्या चीज होता है, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो प्रिंटर, डियर फ्रेंड प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, मैंने बताया है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या चीज होती है, जो आपके कंप्यूटर्स में स्टोर होती है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, लेकिन जब उसको आप पेज पर उसी को निकाल देते हैं तो वो हो जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये सॉफ्ट कॉपी को, यस टू यच सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो और कितने प्रकार के होते हैं, अब हम आते हैं, ये जान गए प्रिंटर क्या चीज होता है, अब हम जानेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स प्रिंटर, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर्स। ठीक, प्रिंटर्स के दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होता है वो कितने, वो उसकी एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये सभी के सभी एग्जांपल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, फिर इस तरह से लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो ऐसे बहुत से प्रिंटर हैं, लेकिन ऐसे कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, अब हमको ये जानना है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल तो जान गए, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर आखिर है क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर वो चीज होती है जो अपनी, मतलब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट मतलब अपना छाप, इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इम्पैक्ट मतलब अपना छाप छोड़ना, क्या क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अपना छाप छोड़ना, जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए आपको धूल, ऐसे धूल भरा हुआ है यहाँ पर और उस पर अपना पैर रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, आपके पैरों के छाप उस पर छप जाते हैं, तो क्या हो गया, अपना छाप उस पर छोड़ दिए हैं, तो वही इम्पैक्ट कर दिए हैं, इम्पैक्ट कर दिए हैं, अपना छाप उस पर छोड़ दिए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इम्पैक्ट का मतलब होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज आप कहाँ देखे होंगे, जैसे कचहरी में देखे होंगे, क्या करते हैं, यहाँ से उसके की रहते हैं, यहाँ पर उसके यहाँ पर टाइप करते हैं और नीचे क्या होता है, ये छपता हुआ चला जाता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आपके
यहाँ पर आपके प्रिंटर्स होते हैं और यहाँ पर आपकी कोई की प्रेस किए हैं और यहाँ पर आपको नीचे इस पेज पर आपको नीचे वो चीज लेटर छप जाती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज होती है ये समझ में आ गया। इम्पैक्ट मतलब अपना छाप छोड़ना, मतलब वो प्रिंटर जो अपना छाप छोड़ जाते हैं। ठीक, ये सभी से इसके एग्जांपल हुए और उदाहरण मैंने बताया, इसके मैंने बता दिए यूज कहाँ होते हैं। यूज आपके कचहरी में सबसे ज्यादा यूज होता है, कचहरी में मतलब इस तरह के। ठीक, तो वहां पर आप लोग देखे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। दूसरा नंबर क्या है प्रिंटर का, दूसरा प्रकार क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज होता है उसको हमको जानना है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इंकजेट मतलब जो अपने छाप नहीं छोड़ते हैं, वो किसी अन्य के माध्यम से वो प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पर। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सभी के सभी क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इंकजेट ये आपकी जेट क्या होती है, ऐसे बनी रहती है इस तरह से और यहाँ से खूब धारा निकलता है और बहुत तेज धारा निकलता है, वही कहलाता है जेट कहलाता है। क्या कहलाता है, जेट कहलाता है। और ये जेट ही ये इसी के क्या कहेंगे सिद्धांत पे बना हुआ है, इंक जेट इसी के जेट के इसी सिद्धांत पे बना हुआ है, इसीलिए इसको इंक जेट कहते हैं। ठीक, थर्मल इंक जेट समझ में आ गया, इंक जेट इस तरह का होता है और इस तरह इस पे से स्प्रे एकदम फुहारा की तरह निकलता है, यही होता है आपका इंक जेट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर को जो आपके कलर्स होते हैं इसको पिघला करके आपको उस पे पेज पे उतार देना, तो ये होता है आपका थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर आप लोग आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लेजर प्रिंटर आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक, तो लेजर प्रिंटर में एक लेजर लाइट लगी हुई होती है, ये यहाँ से इस तरह इधर बढ़ती हुई आती है फिर ऐसे इधर वापस अपनी जगह पे जाती है, तो इस तरह से लेजर प्रिंटर्स होते हैं, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं प्रिंटिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं और देखिए ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल और ये लेजर प्रिंटर। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स होते हैं, इसका उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है डियर फ्रेंड्स। इसका उपयोग क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में होती है। ठीक, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में होती है इंकजेट प्रिंटर, जहां पर बहुत ज्यादा वर्क करना हो, जहां पर क्या करना हो, बहुत ज्यादा वर्क करना हो, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग वर्क करना हो, वहां पर इसके यूज होंगे। अब हम आते हैं देखते हैं, देखिए एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, ये तीनों देखिएगा और ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे जैसे मैंने इसमें से कोई इसमें मान लीजिए इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा, इसमें से तीन नाम दे दिया और कोई दे देगा कोई इम्पैक्ट वाला, तो उस तरह उस पर आपको ट्रिक लगा करके आना है किस पर, इम्पैक्ट वाले पर, तो इस तरह से आपका ये बताना पड़ेगा। अब हम आते हैं स्पीड ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की गति को किस में मापते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक, जैसे आप कहते हैं क्या कहते हैं किसी भी चीज को, जैसे द्रव्यमान को मापना है तो केजी में माप लेते हैं, इस तरह से लेंथ को मापना है तो मीटर सेंटीमीटर इन सब में माप लेते हैं, लेकिन प्रिंटर की गति को किस में मापेंगे, तो प्रिंटर की गति को इन तीन चीजों में मापेंगे, सीपीएम में, एलपीएम में और पीपीएम में। ठीक, पीपीएम एक पार्ट पर मिनट पर मिलियन ये होता है पीपीएम का, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी बात वो जहां यूज करते हैं साइंस में करते हैं, लेकिन ये जो है क्या है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट क्या होता है पेज, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पीपीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और प्रिंटर की गति किससे मापी जाती है, इसमें से कोई एक दे देगा, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, आपको लगा करके आना है। तो देख लीजिए, देखिए कैरेक्टर मतलब पर मिनट, एक मिनट में कितने कैरेक्टर्स को कोई प्रिंटर छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है, तो वो चीज होता है कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, कोई प्रिंटर एक मिनट में कितनी लाइंस को छाप लेता है, प्रिंट कर लेता है, वो होती है आपकी लाइन पर मिनट। पेज पर मिनट कोई कोई प्रिंटर्स होते हैं जिसको मतलब क्या होता है पीपीएम में मापी जाती हैं, मतलब एक मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर ले रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप कभी भी प्रिंटर्स परचेज करने जाते हैं तो वहां पर ये चीजें जरूर पूछिए कि मतलब जो आप प्रिंटर परचेज कर रहे हैं वो क्या है, सीपीएम में है या एलपीएम में है या पीपीएम में है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये हो गई क्वालिटी ऑफ प्रिंटर्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार प्रिंटर बहुत धीमे काम कर रहा है, तो डियर फ्रेंड प्रिंटर धीमे काम करने का मतलब क्या है, इन्हीं चीजों में फर्क होता है, ये लाइन पर मिनट होता है, ये पेज पर मिनट होता है, तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। ठीक, तो प्रिंटर्स की गति किस में आते हैं, सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम में। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर की गुणवत्ता। ठीक है,
अगर मैं किसी प्रिंटर्स की गुणवत्ता क्वालिटी को देखना हो तो कैसे जानेंगे? जैसे आप कैमरा है आपके सामने और कहते हैं ये कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, एक मेगापिक्सल, दो मेगापिक्सल, मेगापिक्सल का मान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, उतना ही ज्यादा कैमरे की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो डियर फ्रेंड सेम उसी तरह है, प्रिंटर्स की क्वालिटी को आपको देखना है तो डॉट्स पर इंच, डीपीआई में इसको नापा जाता है, डीपीआई इसको डॉट्स पर इंच, ठीक, एक इंच में कितने डॉट, एक इंच में कितने डॉट बन रहे हैं उससे मतलब होता है। तो जो प्रिंटर एक इंच में ज्यादा डॉट बनाएगा, जितने जितने ज्यादा डॉट बनेंगे वो प्रिंटर उतना ही बेटर होगा, उतना ही बेटर क्वालिटी का होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अभी आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते अभी आगे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब क्या है कि मेरी थोड़ी सी सजेशन ये है, सजेशन से पहले आपसे कह दूं, अगर मैं इस YouTube चैनल पर नए हैं तो डियर फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको समय समय पर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो प्राप्त होता है, बनता है यहाँ के, यहाँ से आपको तुरंत जैसे ही मैंने अपलोड किया उसके इसके माध्यम से, अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक किए रहेंगे तो तुरंत का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर मैं नोटिफिकेशन बेल पर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक। अगर मिस नहीं करना चाहते हैं एक भी वीडियो तो इस बेल पर जरूर क्लिक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा है कैसा नहीं है आपको, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उस क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए, ठीक। और हाँ डियर फ्रेंड्स, आप बताइए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप लोगों की, अगर में हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए। और करना क्या है डियर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और उनको भी कुछ योग्य बनाइए, उनको भी कहिए कि ट्रिपल सी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चल रही है, आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक। और ये हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है पॉइंटिंग। देखिए क्वेश्चंस, अब ट्रिपल सी में क्वेश्चंस या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, पूछे जाएगा कि निम्न में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। मैंने बताया कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब बताइए, माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ट्रैकबॉल की पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लाइट पेन होता है, लेकिन कीबोर्ड जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। ये आप क्या करते हैं, इसमें टाइप करते हैं, कुछ भी अक्षर टाइप करते हैं, जो भी यम टाइप किए तो यम आएगा, तो ये टाइपिंग है, ये टाइप वाला है, ठीक है, लिखने के लिए यूज हो रहा है कीबोर्ड का। लेकिन ये जो ये माउस, ट्रैकबॉल और लाइट पेन है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग जान गए ना पॉइंटिंग डिवाइस, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, हर वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको ये पेपर सॉल्व करने में भी मजा आए और जो लास्ट में जो क्वेश्चन कराया जाता है कहीं हो सकता है इसी में से कुछ पूछ ले, ठीक है, एग्जाम में। तो इस तरह से आपके फायदे हैं। लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ये सभी का सभी क्वेश्चंस पीछे बताए हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं तो बताइएगा कमेंट करके, नीचे कमेंट करके तुरंत बताइए, अगर हम देख रहे हैं तो तुरंत बताइए। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या होता है, अपना छाप छोड़ना, तो वह कौन है जो अपने छाप को नहीं छोड़ता है, तो इस तरह से ये हो गए, ठीक है। और ये निम्न में से कौन सी प्रिंटर की स्पीड नहीं है, तो ये है आपका सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम, पीपीएस, तो ये सभी के चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक होगा, ठीक। आपको नीचे कमेंट में लिख के बताना है कौन सी, एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, आप बताइए तुरंत नीचे कमेंट करके तुरंत बताते रहिए, एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी की होती है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये नीचे आप बताइए, ठीक। निम्न में से किस प्रिंटर की कोई क्वालिटी, क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मिलती है, तो आप नीचे बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आप नीचे तुरंत कमेंट करके बताइए कौन से क्या क्या चीजें हैं, ठीक। ये यहीं पर अपनी बातों को हम अब समाप्त करते हैं, और आप लोग द जेएन स्मार्ट क्लास का लगे रहिए, द जेएन स्मार्ट क्लास का वीडियो शेयर करते रहिए, मजे में रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और एक सीट, चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप, वहां पर एक सीट लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू, एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, एंजॉय इन योर लाइफ, ठीक।